नौकरी ही नौकरी आई, 12 प्रकार के अलग अलग पदों पर भर्ती आई है, अब आवेदन करते रहो। योग्यता जो है बारहवीं पास हो तो आवेदन कर सकते, इसका लाभ है भी और सारे योग्यता मांगा जा रहा है अलग अलग पदों के लिए, इसका आवेदन शुरू है। अंतिम तिथि की बात करें तो 25 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट है आवेदन करने की। तो दोस्तों इसका जो है यहाँ पर बताया गया है कि स्टार्ट जो है 28 मार्च 2023 से शुरू और लास्ट डेट जो है 25 अप्रैल तक है। वही एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 200 रुपया लग रहा है, वही SC ST EWS और उसके बाद आपको बता दें PWBD के लिए इसमें कोई भी शुल्क वगैरह नहीं लग रहा। अप्लाई जो है ऑनलाइन मोड है, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करें तो 187 पद है, जो कि आपको बता दें इसमें जो वैकेंसी जो निकल के आ रही है इसका 25 डेट तक इसका लास्ट डेट है। तो जो लोग भी आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कर लीजिएगा। तो पहले बता देता हूँ कि आखिर जो है कौन सा पद के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन वगैरह मांगा जा रहा है। टोटल जो है यहाँ पर दोस्तों की पोस्ट कोड दिया गया है और यह नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा पद के लिए कितना कितना पोस्ट है, पद है। तो यहाँ पर टोटल 12 प्रकार के पद है। वैकेंसी कहाँ से निकल के आ रही है वो भी मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले आपको बता दूँ सैलरी के बारे में, तो सैलरी यहाँ पर दोस्तों की सभी का सैलरी यहाँ पर अच्छा खासा सैलरी यहाँ पर दिया जाएगा। तो वैकेंसी जो निकल के आ रही है इंडियन आयल इंडिया लिमिटेड के तहत, यानी कि आयल इंडियन लिमिटेड, और यहाँ पे वैकेंसी जो निकल के आ रही है और यहाँ पे बताया गया है, तो यहाँ पे बताया गया फर्स्ट प्रथम नंबर का जो पद है उस पद के बारे में, तो पास आपको 10+2 होना चाहिए फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री एंड यहाँ पे मैथमेटिक्स के साथ आपको होना चाहिए, 15 पोस्ट है इसमें। वही दूसरे नंबर का जो पद है इसमें आपको बताया गया है कि मैकेनिकल डीजल ट्रेड में आपको होना चाहिए और 10वीं पास होना चाहिए और ये ITI कोर्स आपको होना चाहिए। वही यहाँ पे तीसरे नंबर का जो पद है फिटर ट्रेड में आपको ITI और प्लस यहाँ पे 10वीं पास है, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसमें भी जो है चौथे नंबर का पद आपको इसमें 10th पास होना चाहिए, 25 नंबर इसमें 28 इसमें 54 पद है और इसमें 2 ईयर का जो यहाँ बताया गया है कि कोर्स ड्यूरेशन आपको होना चाहिए। और 5वें नंबर का जो पद है वेल्डर ट्रेड में आपको ITI होना चाहिए, 10वीं पास है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 6ठे नंबर का पद में इसमें भी 10वीं पास होना चाहिए और यहाँ बताया गया है और आपको इस ट्रेड में होना चाहिए 10वीं पास के बाद, मतलब ये एक्स्ट्रा कोर्स आपको ये होना चाहिए। 7वें नंबर का जो पद है BSc होना चाहिए विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के साथ, 20 पोस्ट है। वही 8वें नंबर का जो पद है 15 पद है इसमें जो है बताया गया है कि इसमें जो है यहाँ पे इसके बारे में बताया गया क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में, इसके BSc आपको होना चाहिए नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में आपको होना चाहिए, 8 पद है। वही 10वें नंबर का जो पद है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 10वीं पास, और इसमें जो है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3 पद है और इसमें जो है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर होना चाहिए, इसमें 3 पद है और टोटल 12 पद यहाँ पे बता दिया हूँ। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज कितना कितना सीट यहाँ पे बताया गया, UR के लिए SC ST OBC EWS के लिए कितना कितना पद, सारी चीज़ यहाँ पर बताया गया है। और ये रहा यहाँ पर बताया गया है कि एज के बारे में, तो मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे बताया गया है सभी पद के लिए, जनरल कितना होना चाहिए, SC के कितना होना चाहिए, ST OBC के कितना होना चाहिए, सभी पद के बारे में यहाँ पे 12 प्रकार के पद है, 12 प्रकार के पद के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे बताया गया है फॉर्म भरने के बाद आपको CBT एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें से आपको इंग्लिश लैंग्वेज जनरल नॉलेज अवेयरनेस एंड क्वेश्चन ऑन आयल इंडिया लिमिटेड के तहत, तो इसमें 20% अंक रीजनिंग का भी रहेगा और यहाँ पर दस रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज इसमें 60 टोटल जो है 60-100 का होगा। आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर दिया जाएगा हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पर इस वेबसाइट पर जाकर ओपन पेज पे, और इसमें बताया 28/3 से शुरू और 25 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट है, ये सारी चीज़ यहाँ पर बताया गया है। वही एप्लीकेशन फ़ी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, 200 रुपया लगेगा जनरल OBC के लिए, और इसमें बताया गया है कि इसमें छूट है SC ST EWS पर्सन के लिए। तो इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको करियर वाले पे सिलेक्ट करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको आना है करेंट ओपनिंग में, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा, जो कि यहाँ पे नीचे आना है, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट और वर्क पर्सन और यहाँ पे मल्टी पोस्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया, अप्लाई यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, व्यू हाउ टू अप्लाई कैसे करना है उस चीज़ यहाँ पर बताया गया और 25/4 तक इसका लास्ट डेट है, सबका यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। अप्लाई करने के लिए अप्लाई वाली लिंक पर क्लिक करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे आएगा और यहाँ पे अपना पोस्ट आपको सेलेक्ट करना है, जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हो वो पोस्ट, और उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय एक्सचेंज और यहाँ पर देख सकते हो
जिस भी पद के लिए आप आवेदन करना चाहते कर सकते हो। और यहाँ पे अपना अप्लीकेंट नेम, ईमेल एड्रेस देना है, उसके बाद मोबाइल नंबर, मेल, जिस भी आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है, जिस भी कैटेगरी से उस कैटेगरी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे सबको अच्छा तरह से फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, ये इस पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू करके आप आगे वाले पेज पर जाकर इस तरह से आप आवेदन को भर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। बाकी अप्लाई कैसे करना है तो हाउ टू अप्लाई दिया गया, वहाँ पर जाकर PDF डाउनलोड हो जाएगा और PDF में बताया गया है कि कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से। यहाँ पे पूरे मतलब कि बताया गया है, पहले आपको यहाँ पे शुरू से आप देखिए, यहाँ पर देखिए पहले ऐसे आएगा और उसके बाद फिर ऐसे, फिर इस तरह से अपना एम्प्लॉइज चेंज आपको जो है जो भी जहाँ से करना चाहते हो वहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर कुछ इस तरह का फॉर्म भराएगा और यहाँ पर OTP आएगा ईमेल आईडी पर, उसके बाद यहाँ पर सेव पे क्लिक करने के बाद आगे प्रोसेस भरना है और इसके बाद साइनअप, उसके बाद बेसिक डिटेल्स, उसके बाद क्वालिफिकेशन वगैरह, वर्क एक्सपीरियंस और डॉक्यूमेंट अपलोड। इस तरह से आप आवेदन को कर सकते हैं इतना सारे फेज में, यानी कि तो पांच फेज में पांच प्रकार का यहाँ पे डिटेल्स आपको पूछा जाएगा। और यहाँ पे कुछ इस तरह का फिलअप करना है, सिग्नेचर वगैरह सब चीज़ अपलोड करने के बाद फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आने के बाद फिर आपको ऐसा आएगा और इस तरह से पूरे का फिलअप करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो पूरे लास्ट तक पूरा दिया गया है कैसे कैसे आवेदन करना है। और इसके बाद लास्ट में आप क्लिक करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो दोस्तों यही न्यूज नोटिस, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल। डायरेक्ट सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको थैंक्स पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा और यहाँ पे अपना अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे बाय सेंड पर क्लिक करना है। वैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा, आप जो भी गूगल पे, फोनपे वगैरह सब सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे भी आप अमाउंट पे करना चाहें। और इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना और उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का आएगा, जिस भी चीज़ से आपको पे करना है उस पर पे कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन में कुछ नहीं डालना, टाउन, सिटी, पिन कोड, स्टेट अपना डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करके गूगल पे से या फिर किसी भी UPI ऐप से आप इसमें सेंड कर सकते हैं कंटिन्यू पर क्लिक करके। तो दोस्तों थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।